जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। मैं आपका दोस्त मोहन नाथावत आपको आज टूर कराने वाला हूं एक ऐसी प्रॉपर्टी का जिसका डायमेंशन रहेगा 30x53 का। 178 गज में बनी हुई बहुत ही खूबसूरत लग्जरी प्रॉपर्टी आपकी रहेगी। अगर आप भी जयपुर शहर में ढूंढ रहे हैं 5BHK फुली फर्निश्ड प्रॉपर्टी, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत रहने वाला है खास। दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो के एंड तक बने रहें, क्योंकि आज जो प्रॉपर्टी का आपको मैं टूर कराने वाला हूं बहुत ही खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है। बहुत खूबसूरत इंटीरियर वर्क आपको मिलने वाला है। जितना खूबसूरत इस ये प्रॉपर्टी अंदर से रहेगी उससे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत आपको एक्सटीरियर वर्क मिलने वाला है। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट करें करते हैं प्रॉपर्टी का टूर शुरू। तो दोस्तों हम आ पहुँचे हैं प्रॉपर्टी के बाहर। ये रहेगा आपकी आज की लग्जरी प्रॉपर्टी का फ्रंट का एलिवेशन। बहुत ही खूबसूरत प्यारा मॉडर्न एलिवेशन वर्क आपको आज की प्रॉपर्टी में मिलने वाला है। 30 का इसका फ्रंट रहेगा, 53 की इसकी डेप्थ रहेगी। बात करूँ फ्रंट एलिवेशन में तो ट्रोलर पेंट का बहुत ही सुंदर प्यारा डिजाइनर वर्क यहाँ आपको मिलने वाला है। साथ में स्टील और टफन ग्लासेस की रेलिंग का वर्क यहाँ आपको दिया गया है। साथ में मिल जाता है आपको ब्रास का डिजाइनर वर्क, और यहाँ पर आपको साइड में मिल जाता है आयरन ग्रिल का सुंदर प्यारा डिजाइनर वर्क। बहुत ही खूबसूरत आपकी प्रॉपर्टी रहने वाली, नॉर्थ फेसिंग आपकी प्रॉपर्टी रहेगी। मेन वैशाली नगर से मात्र 200 मीटर की डिस्टेंस पर रहने वाली है। एक बार मैं आपको आसपास की लोकेशन दिखाना चाहूँगा। जैसे सामने आप रोड देख रहे हैं, ये दिल्ली हाईवे रोड है, दिल्ली अजमेर हाईवे रोड रहेगा। मात्र उससे 50 मीटर की डिस्टेंस पर आपकी प्रॉपर्टी रहने वाली है। 30 फीट रोड फेसिंग आपकी प्रॉपर्टी रहेगी। आगे बात करें तो ये रहेगी आपकी मेन वॉल, 56 इंच का सीना और 56 नंबर का विला, बात ही क्या कहना। और मेन वॉल की बात करें तो मेन वॉल पे आपको मिल जाता है ट्रोलर पेंट का वर्क, और साथ में आपको मिल जाता है खूबसूरत स्टोन का वर्क। ये आपका मिंट का आपका स्टोन रहेगा। साथ में आपको मिल जाता है टाइल्स का वर्क, अप एंड डाउन लाइट्स यहाँ आपको लगा के दी गई है, और यहाँ पे आप अपने हिसाब से नेम प्लेट लगवा सकते हैं। दोस्तों आगे बात करें तो ये रहेगा आपका ब्रम एरिया, जिसमें आपको मिल जाती है खूबसूरत एंटी स्क्रिप्ट टाइल्स। क्योंकि 30 का इसका फ्रंट है तो एक गाड़ी आप अपनी अंदर पार्क कर सकते हैं, और दूसरी अगर आपके पास में बड़ी SUV गाड़ी है तो आप अपने विला के बाहर भी इजीली पार्क कर सकते हैं। काफ़ी प्राइम लोकेशन पर आपकी प्रॉपर्टी रहेगी। आगे बात करें तो ये रहेगा आपका मेन डोर, आप साइज़ देख सकते हैं आयरन का, बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का हैवी डोर यहाँ आपको दिया गया है। काफ़ी बढ़िया साइज़ है, तो आपकी एक 4-व्हीलर SUV गाड़ी इजीली अंदर पार्क हो सकती है। और ये आ जाता है आपका पार्किंग स्पेस, आप स्पेस देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा स्पेस यहाँ आपको मिलने वाला है। बड़ी SUV गाड़ी इजीली आप अपने विला में पार्क कर सकते हैं। फ्लोर में एंटी स्किप स्टाइल्स यहाँ आपको लगा के दी गई है। इस तरफ आपको मिल जाता है इलेक्ट्रिक मीटर बॉक्स, और साथ में आप देख सकते हैं फोर सीलिंग का बहुत ही प्यारा वर्क यहाँ आपको पार्किंग एरिया में भी दिया गया है। इस विला में आपको दो एंट्री मिलने वाली है। एक आपकी एंट्री रहेगी यहाँ पे, जो आपकी सीधी एंट्रेंस रहेगी ड्राइंग एरिया से और डाइनिंग एरिया से, और दूसरी जो एंट्रेंस मिलने वाली है वो सीधी आपकी मिलने वाली है बैठक रूम से, ड्राइंग रूम से। और इस तरफ अगर बात करें तो अगर आपके पास में एक छोटी सी गाड़ी है, जैसे बात करें इसे स्विफ्ट डिज़ायर या फिर छोटी मारुति 800, तो वो आप यहाँ पे भी इजीली पार्क कर सकते हैं। तो दो गाड़ी आप 4-व्हीलर आप अपने विला में इजीली पार्क कर सकते हैं। यहाँ पे भी अगर बात करें तो स्टोन्स और टाइल्स का बहुत ही प्यारा डिजाइनर वर्क यहाँ आपको दिया गया है। इसमें आप आर्ट कुछ भी डेकोरेटिव आइटम्स रख सकते हैं। छोटी छोटी खूबसूरत लाइट्स यहाँ आपको लगा के दी गई है, और साथ में इस तरफ भी आप देख सकते हैं अप एंड डाउन लाइट्स यहाँ आपको लगा के दी गई है। बहुत ही खूबसूरत आपकी प्रॉपर्टी रहने वाली है। प्रॉपर वेंटिलेशन बना रहे आपके ड्राइंग एरिया में, तो उसमें यहाँ आपको दी गई है फुल हाइट की ग्लास विंडोज़, और सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए अंदर लोहे की ग्रिल का वर्क यहाँ आपको मिलने वाला है। दोस्तों अब बात करेंगे मेन एंट्रेंस की, तो ये रहेगी आपकी मेन एंट्रेंस, जिसमें आपको मिल जाता है 9x4 का प्रीमियम क्वालिटी का वुडन का मैश डोर। काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी का वुडन का वर्क यहाँ आपको मिलने वाला है, और साथ में ये आपका रहेगा मेन डोर। आप हाइट देख सकते हैं 8x4 का ये आपका डोर रहेगा, बहुत ही प्यारा डिजाइनर डोर है। वुडन का वर्क ये आपको मिलने वाला है। साथ में ऊपर आपको मिल जाता है वेंटिलेशन के लिए विंडोज़। तो आइए दोस्तों करते हैं प्रॉपर्टी का टूर अंदर से। तो दोस्तों स्वागत है आपका विला के अंदर। शुरुआत करेंगे सबसे पहले ड्राइंग एरिया से। तो ये रहेगा आपका किंग साइज़ का ड्राइंग रूम, काफ़ी स्पेशियस आपका ड्राइंग रूम आपको मिलने वाला है इस प्रॉपर्टी में। 12 सीटर का डिज़ाइनर सोफ़ा यहाँ आपको लगा के दिया गया है। खूबसूरत फैब्रिक और प्रीमियम क्वालिटी का फैब्रिक आपको सोफे में देखने को मिलेगा। ये रहेगा आपकी मेन वॉल पे डिज़ाइनर वर्क, आप देख सकते हैं खूबसूरत डिज़ाइनर यहाँ वर्क यहाँ आपको मिलने वाला है। साथ में पूरे वॉल पे अगर आप देखें तो वुडन का फ्रेमवर्क आपको मिलने वाला है। अंदर आपको लगा के दी गई है प्रोफाइल लाइट, और दोनों तरफ यहाँ आपको मिल जाती है खूबसूरत वॉल लाइट्स। सुंदर सुंदर लाइट्स आपको फोर सीलिंग में भी मिलने वाली है। एक बार मैं फोर सीलिंग की डिज़ाइन आपको दिखाना चाहूँगा। खूबसूरत प्रीमियम क्वालिटी की फोर सीलिंग यहाँ आपको का वर्क यहाँ आपको मिलने वाला है। साथ में आपको डिज़ाइनर यहाँ जाली का वर्क भी दिया गया है वुडन का।
दोस्तों आगे बात करें तो ये रहेगा आपका टीवी कैबिनेट। आप साइज़ देख सकते हैं टीवी कैबिनेट का, काफ़ी बड़ी साइज़ का टीवी कैबिनेट यहाँ आपको मिलने वाला है। साथ में इस पर आपको वर्क मिलने वाला है ग्लास का, एक टीवी यहाँ आपको लगा दे के दे रहे हैं। साथ में इस प्रॉपर्टी में 4 AC आपको मिलने वाले हैं। फुल्ली फर्निश लग्जरी सेगमेंट वाली प्रॉपर्टी आपको रहने मिलने वाली है। खूबसूरत डिज़ाइनर सेंटर टेबल यहाँ आपको लगा के दी गई है। खूबसूरत डेकोरेटिव फैन ही आपको लगा के दिया गया है। काफ़ी अच्छा स्पेस यहाँ आपको मिलने वाला है और प्रॉपर वेंटिलेशन बना रहे हैं। यहाँ पे आपको मिल जाती है फुल हाइट की ग्लास विंडो और सेफ्टी को ध्यान में रखते हैं आपको मिल जाता है लोहे की आयरन का वर्क। दोस्तों अब बात करेंगे डाइनिंग कम लिविंग एरिया, तो ये रहेगा आपका डाइनिंग कम लिविंग एरिया। काफ़ी अच्छा स्पेस यहाँ पे भी आपको मिलने वाला है। बात करेंगे सबसे पहले डाइनिंग एरिया की, तो ये यहाँ पे आपको मिल जाती है खूबसूरत 6 सीटर की डाइनिंग टेबल। आप देख सकते हैं खूबसूरत डिज़ाइनर आपकी ये डाइनिंग टेबल रहने वाली है। और इस तरफ आपको मिल जाता है काउंटर बेसिन, पूरा वुडन का वर्क यहाँ आपको मिलने वाला है। एज इट इज़ कंडीशन में प्रॉपर्टी आपको मिलने वाली है। डेकोरेटिव लाइट्स यहाँ आपको लगा के दी गई है। आगे बात करें तो ये आपका रहेगा लिविंग एरिया। अगर यहाँ पे भी आप चाहते हैं तो 5 सीटर का सोफ़ा आसानी से लगा सकते हैं। और यहाँ पे आपको मिल जाता है डेकोरेटिव वर्क और प्रीमियम क्वालिटी का वर्क यहाँ आपको मिलने वाला है। खूबसूरत लाइट्स यहाँ आपको लगा के दी गई है। डेकोरेटिव फैन यहाँ पे भी आपको लगा के दिया गया है। दोस्तों एक बार मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो आपका मंदिर बना हुआ है, प्रॉपर वास्तु के अकॉर्डिंग बना हुआ ये आपका पूजा का मंदिर है। आप देख सकते हो वुडन का बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का वुडन का वर्क यहाँ आपको मिलने वाला है। गणेश जी की या फोटो यहाँ आपको लगा के दी गई है। वुडन कटिंग में ही आपकी फ्रेमवर्क रहेगा और साथ में सामान रखने के लिए यहाँ आपको नीचे मिल जाती है ड्रॉवर्स। इस तरफ अगर बात करें तो ये रहेगी आपकी सेकंड एंट्रेंस, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में स्टार्टिंग में बताया था। और यहाँ पे भी आपको मिल जाता है वुडन का मैश डोर। नॉर्थ फेसिंग आपकी प्रॉपर्टी रहेगी, डबल एंट्रेंस आपको यहाँ मिलने वाली है। ड्रॉइंग और डाइनिंग एरिया में यहाँ आपको मिल जाता है एक छोटा सा पाउडर रूम। यहाँ पे भी आप वर्क देख सकते हैं, काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी का वर्क मिलने वाला। फ्लोर में एंटी स्लाइस लगा के दी गई है। वॉल माउंट WC मिलने वाली है। काउंटर बेसिन ही आपको लगा के दिया गया है। एग्जॉस्ट फैन ही आपको मिलने वाला है और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं क्वालिटी का। ये आपका बाथरूम का गेट है तो यहाँ पे भी आपको क्वालिटी मिल रही है, तो पूरे विला में कितनी क्वालिटी मिलेगी उसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। दोस्तों आगे बात करें मॉड्यूलर किचन की, तो मॉड्यूलर किचन का अंदर से टूर कराने से पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा मेन वॉल का फ्रेमवर्क। यहाँ आपको डिज़ाइनर वुडन का वर्क यहाँ आपको मिलने वाला है और डिज़ाइनर वुडन की जाली वाला CNC कटिंग वाली जाली यहाँ आपको लगा के दी गई है। सुंदर लाइट्स यहाँ आपको लगा के दी गई और ये रहेगी आपकी पूरी वाइट थीम बेसिस मॉड्यूलर किचन। क्वार्ट का पत्थर यहाँ आपको लगा के दिया गया है वाइट कलर का। और नीचे भी जो आपको ड्रॉवर्स दी गई है, ड्रॉवर्स की जो फ्रंट में सनमाइका का यूज़ किया हुआ है वो टोटल वाइट है। टोटल वाइट आपकी किचन रहेगी। फेबर कंपनी की मोशन सेंसर आपकी चिमनी रहेगी और ग्लेन का आपका हॉब रहेगा। इधर आपको मिल जाता है OTH और माइक्रोवेव और डिशवॉशर। एज इट इज़ कंडीशन में आपको किचन में वर्क आपको मिलने वाला है। अपर कैबिनेट्स भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा, सारी सॉफ्ट क्लोजर्स रहेंगे। अंदर बाहर सभी जगह आपको सनमाइका का वर्क मिलने वाला है। प्रॉपर वेंटिलेशन बना रहे इसलिए यहाँ पे आपको मिल जाती है विंडो, तो वेंटिलेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको आपके किचन में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। और साथ में ये रहेगी आपकी बैकयार्ड, किचन से अटैच आपकी ये बैकयार्ड रहेगी जहाँ पे आपको मिल जाता है पीछे एक ड्राई एरिया। फिनिशिंग का काम अभी चल रहा है। यहाँ पे भी आपको एक बेसिन लगा के दिया गया है। पूरा सिक्योरिटी को ध्यान में रखते पूरा कवर किया हुआ है आपका ये विला। आप एक फोर सीलिंग का अंदाज़ा लगा सकते हैं किचन में भी। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत डिज़ाइनर फोर सीलिंग आपको मिलने वाली है और काफ़ी स्पेसेस आपकी फोर सीलिंग रहने वाली है, किचन रहने वाली है। ये रहेगा आपका फर्स्ट बेडरूम, मास्टर बेडरूम भी आप इसे कह सकते हैं। ग्राउंड फ्लोर का मास्टर बेडरूम है। आपको इस प्रॉपर्टी में टोटल 3 मास्टर बेडरूम मिलने वाले हैं, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकेंड फ्लोर पर। तो ये रहेगा आपका फर्स्ट मास्टर बेडरूम। साइज़ आप देख सकते हैं फुल हाइट का वुडन का वॉल बेड आपको मिलने वाला है। कुल्टिंग का बहुत ही प्यारा वर्क आपको मिलने वाला है। साथ में पीछे आप ये देख रहे हैं ये आपका पूरा प्रोफाइल लाइट वर्क रहेगा। ऊपर डेकोरेटिव लाइट्स यहाँ आपको लगा के दी गई है। फोर सीलिंग का बहुत ही प्यारा वर्क मिलने वाला है। इस तरफ आपको मिल जाती है वार्डरोब, 2 वार्डरोब मिलेगी यहाँ आपको। और स्पेस आप देख सकते हैं एक स्टैंडर्ड साइज जो वार्डरोब रहती है वो आपको मिलने वाली है। साथ में आपको मिल जाती है इस तरफ ड्रेसिंग और ये आपका रहेगा फर्स्ट रूम से अटैच बाथरूम। एक बार मैं आपको अंदर से टूर कराना चाहूँगा। यहाँ पे आपको मिल जाता है क्यूबिकल पार्टीशन, ग्लास पार्टीशन यहाँ आपको करके दिया गया है। ये रहेगा आपका काउंटर बेसिन, वुडन का वर्क यहाँ आपको मिलने वाला है और वॉल माउंट WC आपको मिलने वाली है। गीजर यहाँ आपको लगा के दिया गया है। साथ में एग्जॉस्ट फैन ही आपको मिलने वाला है और फिटिंग जो भी रहेगी सारी ब्रांडेड रहेगी। टाइल कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा रहेगा।
फ्लोर में एंटीस्क्रिप्ट स्टाइल्स लगा के दी गई है। दोस्तों जो बेड आपको मिलने वाले हैं सारे ब्रॉक्स बेड रहेंगे, हाइड्रोलिक बेड रहेंगे। इस तरफ आपको मिल जाता है टीवी कैबिनेट पैनल। अगर आप रूम में भी टीवी लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाता है टीवी कैबिनेट पैनल। किसी भी साइज़ का टीवी आप यहाँ लगा सकते हैं और प्रॉपर वेंटिलेशन बना रहे, इसलिए यहाँ पे आपको मिल जाता है, यहाँ पे आपको मिल जाती है विंडो, ग्लास विंडो। साथ में कूलर लगाने के लिए भी यहाँ पे प्रोविज़न दिया गया है। दोस्तों अब बात करेंगे आगे प्रॉपर्टी की रेट्स की। बात करूँ इस प्रॉपर्टी की तो 2.5 करोड़ रुपए हम इसकी डिमांड कर रहे हैं। नॉर्थ फेसिंग आपकी प्रॉपर्टी रहेगी, 30x53 डायमेंशन में बनी हुई आपकी प्रॉपर्टी, 178 गज में बनी हुई आपकी खूबसूरत लग्जरी सेगमेंट वाली आपकी प्रॉपर्टी रहेगी। मेन वैशाली नगर से मात्र 200 मीटर की डिस्टेंस पर आपकी प्रॉपर्टी रहेगी। आगे बात करें तो ये आपकी रहेगी विला की स्टेयर्स, ग्रेनाइट पत्थर का बहुत ही प्यारा वर्क यहाँ आपको मिलने वाला है। साथ में आपको मिल जाती है SS और टफन ग्लासेस की रेलिंग। साथ में ये आप जो डिज़ाइनर वर्क आपको देख रहे हैं ये ब्रास का डिज़ाइनर वर्क यहाँ आपको लगा के दिया गया है। आपको स्टेयर्स में मिलने वाली है खूबसूरत डेकोरेटिव लाइट्स, और एक बार मैं शेल्डर लाइट्स आपको दिखाना चाहूँगा। एक बड़ा सारा झूमर यहाँ आपको लगा के दिया गया है इस विला में। ये रहेगा आपका सेकेंड हॉल जहाँ पे आपको मिल जाती है खूबसूरत दो चेयर्स और साथ में मिल जाती है एक छोटी सी सेंटर टेबल। और मेन वॉल पे आप देख सकते हैं वुडन का डेकोरेटिव वर्क यहाँ आपको मिलने वाला है। यहाँ ऑलरेडी हम यहाँ ये आपको पीस लगा के दे रहे हैं डेकोरेटिव। अगर आप फैमिली फ़ोटोज़ लगाना चाहते हैं तो इस वाली वॉल को आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। डेकोरेटिव लाइट्स यहाँ आपको लगा के दी गई है और यहाँ पे भी आपको मिल जाता है एक कॉमन लेट बाथ। यहाँ पे भी टाइल कॉम्बिनेशन बहुत ही प्यारा रहेगा, फिटिंग जो भी रहेगी सारी ब्रांडेड रहेगी। आइए दोस्तों अब टूर करते हैं सेकेंड मास्टर बेडरूम का, जो कि रहेगा आपका फर्स्ट फ्लोर पे। साइज़ आप देख सकते हैं यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा साइज़ आपको मिलने वाला है, यानी आपका 7x7 का बेड लगने के बाद अगर आप दोनों तरफ लगाना चाहते हैं काउच बेड या सोफ़ा तो आप आसानी से लगा सकते हैं। दोनों तरफ आपको मिलने वाली है साइड रैक्स, और अगर आप लैपटॉप या फिर चार्जिंग पॉइंट मोबाइल चार्ज यहाँ आराम से लगा कर रख सकते हैं। इस तरफ आपको मिल जाती है वेंटिलेशन के लिए विंडोज़, मैश विंडो भी आपको मिलने वाली है, डेकोरेटिव लाइट्स यहाँ आपको लगा के दी गई है। और पीछे मेन वॉल पे आप देख सकते हैं क्या सुंदर डिज़ाइनर वर्क यहाँ आपको मिलने वाला है, सुंदर सुंदर लाइट्स यहाँ आपको लगा के दी गई है आपके बेड में। कुल्टिंग का बहुत ही प्यारा वर्क आपको मिलने वाला है, और एक बार फोरसेलिंग की डिज़ाइन मैं आपको दिखाना चाहूँगा, बहुत ही खूबसूरत फोरसेलिंग यहाँ आपको मिलने वाली है। यहाँ पर भी आपको एक AC लगा के दिया गया है, टोटल 4 AC आपको मिलने वाले हैं। और यह आ जाता है आपका टीवी कैबिनेट पैनल जिसमें आप किसी भी साइज़ का टीवी इंस्टॉल कर सकते हैं। वुडन वर्क आप देख सकते हैं बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का वुडन वर्क यहाँ आपको मिलने वाला है। और ये रहेगी आपकी डो वार्डरोब, जैसी वार्डरोब आपको फर्स्ट रूम में मिली है वैसी यहाँ पे भी मिलेगी आपको, काफ़ी अच्छा स्पेस रहेगा। और ये रहेगी आपकी ड्रेसिंग एरिया। दोस्तों ये रहेगा आपका सेकंड रूम से अटैच बाथरूम, जिसमें आपको मिल जाता है जगुआर का पूरा बॉडी शावर पैनल। क्यूबिकल पार्टीशन यहाँ आपको करके दिया गया है, पूरा बॉडी शावर पैनल रहेगा। इसमें टोटल 5 शावर्स मिलने वाले हैं, वॉल माउंट WC मिलने वाली है और काउंटर बेसिन यहाँ आपको लगा के दिया गया है। एज इट इज़ कंडीशन में वर्क आपको पूरी प्रॉपर्टी में मिलने वाला है। अब बात करेंगे थर्ड बेडरूम की, तो ये आ जाता है आपका किड्स बेडरूम। 3 रूम में हम आपको फुल साइज़ के बेड यहाँ आपको लगा के दे रहे हैं, 7x7 के फुल हाइट के वॉल बेड यहाँ आपको लगा के दे रहे हैं। 2 रूम में बेड आपको नहीं मिलेंगे, तो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग बेड डिज़ाइन करवा सकते हैं। ये रहेगा आपका किड्स बेडरूम, तो आप अपने किड्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे बेड डिज़ाइन करा सकते हैं, जो स्टडी टेबल है वो डिज़ाइन करवा सकते हैं, उनके कपड़े रखने के लिए यहाँ पे आपको हम आपको दे रहे हैं एक ड्रॉवर, वुडन की ड्रॉवर, फुल हाइट की वुडन की ड्रॉवर है। साइड में यहाँ आपको मिल जाता है प्रोफाइल लाइट का वर्क, और यहाँ पे मिल जाता है आपको टीवी कैबिनेट पैनल। और एक बार मैं आपको दिखाना चाहूँगा बैकयार्ड। दोस्तों ये रहेगी आपकी बैकयार्ड, ये फर्स्ट फ्लोर की बैक साइड की बैकयार्ड रहेगी। यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा वेंटिलेशन है, आप इसे वॉशिंग एरिया में भी यूज़ कर सकते हैं। वाटर टैप यहाँ आपको लगा के दिया गया है, साथ में ड्रेनेज के लिए यहाँ पे आपको पॉइंट मिलने वाला है, और इलेक्ट्रिक पॉइंट भी यहाँ पे लगा के दिया गया है। और सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए लोहे की ग्रिल का वर्क यहाँ आपको मिलने वाला है, एक लोहे की जाली का वर्क, मजबूत क्वालिटी का वर्क यहाँ आपको मिलने वाला है। फोरसेलिंग का वर्क यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, तो हर रूम में बहुत ही सुंदर डिज़ाइनर फोरसेलिंग आपको मिलने वाली है। दोस्तों आगे बात करूँ तो ये रहेगा आपका फोर्थ बेडरूम, फ्रंट साइड का फोर्थ बेडरूम, किंग साइज बेडरूम आप इसे कह सकते हैं। बेड लगने के बाद यहाँ पे भी आप सोफ़ा, काउच बेड, बीन बैग, कुछ भी आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग लगवा सकते हैं।
आप डिज़ाइन एक बार मैं आपको दिखाना चाहूँगा आपकी बेड की, आप देख सकते हैं हर रूम में आपको एक डिफरेंट डिज़ाइन वाला बेड आपको मिलने वाला है। कुल्टिंग का बहुत ही प्यारा वर्क यहाँ आपको मिलने वाला है, दोनों तरफ सामान रखने के मिल जाती है साइड रैक, और खूबसूरत लाइट्स यहाँ आपको लगा के दी गई है। फोर सीलिंग का बहुत ही प्यारा वर्क मिलने वाला है। इस तरफ आपको मिल जाती है डेकोरेटिव वॉल पेंटिंग, आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग अगर फैमिली पेंटिंग भी लगाना चाहते हैं इस वॉल पे तो आप आसानी से लगा सकते हैं, बहुत बड़ी वॉल है यहाँ पे। और यहाँ पे आपको सामान रखने के लिए ड्रॉवर दी गई है, साथ में आपको इस तरफ मिल जाता है टीवी कैबिनेट पैनल जिसमें आप किसी भी साइज का टीवी इंस्टॉल कर सकते हैं। कैरियर कंपनी का हम यहाँ आपको एसी लगा के दे रहे हैं और प्रॉपर वेंटिलेशन बना रहे हैं, इसलिए यहाँ पे आपको मिल जाती है फुल हाइट की ग्लास विंडो, साथ में आपको मिल जाती है मैश विंडो, तो वेंटिलेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको इस प्रॉपर्टी में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। साथ में स्टोरेज से रिलेटेड प्रॉब्लम भी आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलने वाली है। ये मिल जाती है आपकी फुल हाइट की स्लाइडर वार्डरोब, और ये रहेगी आपकी वार्डरोब, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा स्पेस है। और इस तरफ आपको मिल जाती है ड्रेसिंग, और ये रहेगा आपका फोर्थ रूम से अटैच बाथरूम। हर बाथरूम में आपको क्यूबिकल पार्टीशन करके दिया गया है, काउंटर बेसिन मिलने वाला है, वॉल माउंट डब्ल्यू से मिलने वाली है, यहाँ पे भी आपको जगुआर का बॉडी शावर पैनल मिलने वाला है, एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ मिलेगा, इंडो कंपनी का आपको मिल जाता है गीजर, और फ्लोर में एंटी स्किप टाइल्स लगा के दी गई है। दोस्तों आगे बात करें तो अब मैं आपको टूर कराना चाहूँगा फ्रंट साइड की बालकनी का, ये रहेगी आपकी फ्रंट साइड की बालकनी, आप स्पेस देख सकते हैं काफ़ी अच्छा स्पेस ही आपको बालकनी में मिलने वाला है। अगर बात करूँ साइज़ का तो 30x3 की आपकी फ्रंट साइड की बालकनी रहेगी, जितना इसका फ्रंट है उतनी आपकी बालकनी रहने वाली है, काफ़ी अच्छा स्पेस मिलने वाला है। स्टील और टफन ग्लासेस की रेलिंग आपको मिलने वाली है, साथ में फोर सीलिंग का वर्क यहाँ पे भी आपको मिलने वाला है। एक बार मैं आपको आसपास की लोकेशन दिखाना चाहूँगा, ये आपके विला की आसपास की लोकेशन रहेगी, मेन वैशाली नगर से मात्र 200 मीटर पर आपकी प्रॉपर्टी रहने वाली है, और यहाँ पे आपको मिल जाता है खूबसूरत डिज़ाइनर वर्क, यहाँ पे आपको मिंट पत्थर का वर्क यहाँ आपको मिलने वाला, डेकोरेटिव आइटम्स यहाँ आप लगा सकते हैं। अभी फिनिशिंग का काम चल रहा है, लगभग 3 से 4 दिन का काम बचा हुआ है, और वेंटिलेशन प्रॉपर बनाए रहे हैं इसलिए यहाँ पे भी आपको मिल जाता है एक वुडन की मैश डोर। दोस्तों आप टूर करेंगे 5th बेडरूम का, जो कि आपका रहेगा 2nd फ्लोर पे। आप यहाँ पे भी आप देख सकते हैं रेलिंग कवर, एक बार नीचे से मैं आपको व्यू दिखाना चाहूँगा, क्या सुंदर व्यू आ रहा है आप देख सकते हैं, मतलब नीचे खाना खा के, खाना अगर आप खाएंगे और ये ऊपर शेल्टर लाइट्स लगेगी तो इसका जो आनंद है उसका कहना ही क्या। ये रहेगा आपका 5th बेडरूम, यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा स्पेस ही आपको मिलने वाला है, यहाँ आप अपना 6x6 का बेड आसानी से लगा सकते हैं। मेन वॉल पे प्रीमियम क्वालिटी का वर्क ही आपको मिलने वाला है। वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे आपको मिल जाती है विंडोज़, मैश विंडो भी यहाँ आपको लगा के दिख गई, और ये रहेगा आपका टीवी कैबिनेट पैनल, किसी भी साइज़ का टीवी इंस्टॉल कर सकते हैं। खूबसूरत डेकोरेटिव लाइट्स यहाँ आपको लगा के दिख गई, साथ में आपको मिल जाता है फुल हाइट की वुडन की वार्डरोब। और एक बार टूर कराना चाहूँगा 5th बेडरूम से अटैच बाथरूम का, यहाँ पे भी टाइल कॉम्बिनेशन आपको मिलने वाली है बहुत ही खूबसूरत, फ्लोर मेंटेक स्किप साइज लगा के दी गई है। दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ भी सामान रखने के लिए यहाँ पे आपको ड्रॉवर्स दी गई है वुडन की। एक बार मैं आपको बैक साइड की टेरिस है उसका टूर कराना चाहूँगा, ये रहेगी आपकी बैक साइड की टेरिस, जिसे आप टेरिस गार्डन में या फिर अपने हिसाब से कैसे भी यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा स्पेस आपको मिलने वाला है। अभी थोड़ा फिनिशिंग काम चल रहा है इसलिए थोड़ा सा हो सकता है कि आपको यहाँ पे गंदगी दिख रही हो, और हीटिंग और सीलन से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको इस प्रॉपर्टी में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। ये आपकी 5th रूम वाली जो वार्डरोब वो आपकी विंडो है वो रहेगी, और ये रहेगी आपकी स्टेयर्स जो आपके 3rd फ्लोर पर जाने के लिए, आपकी जितने भी वाटर टंकी है वो सारी आपके ऊपर रहेगी। अगर आप सोलर पैनल भी अगर इस प्रॉपर्टी में लगाना चाह रहे हैं तो आप आराम से लगा सकते हैं, ऊपर प्रोविज़न दिया गया है। दोस्तों ये रहेगी आपकी फ्रंट साइड की टेरिस, जिसमें आप प्रॉपर टेरिस गार्डन डेवलप कर सकते हैं, थोड़ा सा हम टेरिस गार्डन यहाँ आपको डेवलप करके देंगे। खूबसूरत लाइट्स यहाँ आपको लगा के दी गई है, आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर। जब ये पूरा टेरिस गार्डन डेवलप होगा तो इस जो आपकी फ्रंट साइड की टेरिस का जो व्यू है वो एक अलग लेवल का रहेगा। खूबसूरत फोर सीलिंग का वर्क यहाँ पर भी आपको मिलने वाला है, काफ़ी अच्छा स्पेस यहाँ आपको मिलने वाला है। और एक बार मैं आपको थोड़ा सा फोकस कराना चाहूँगा, ये सामने जो आप रेड लाइट देख रहे हैं ये शैल्बी हॉस्पिटल है, तो शैल्बी हॉस्पिटल से और मेन वैशाली से वॉकिंग डिस्टेंस पर आपकी प्रॉपर्टी रहने वाली है, काफ़ी लग्जरी सेगमेंट वाली आपकी प्रॉपर्टी रहेगी, 5 BHK की आपकी प्रॉपर्टी, फुली फर्निश्ड लग्जरी सेगमेंट वाली आपकी प्रॉपर्टी रहेगी, नॉर्थ फेसिंग आपकी प्रॉपर्टी रहने वाली है,
डायमेंशन की बात करूँ तो 30x53 डायमेंशन में बनी हुई आपकी प्रॉपर्टी रहेगी, 178 गज में बनी बहुत खूबसूरत प्रॉपर्टी रहेगी। 2,50,00,000 रुपए हम इसकी डिमांड कर रहे हैं। अगर आप इस प्रॉपर्टी का टूर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें। धन्यवाद।